एएनएम कोर्स करने में कितना पैसा लगता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है और इस कोर्स को करने के लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, इस तरह के सवाल उन कैंडिडेट्स के मन में जरूर आते हैं जो भविष्य में एएनएम नर्स बनने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एएनएम का कोर्स आजकल बहुत डिमांडिंग है, सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में इस कोर्स को लेकर सीट्स खाली ही नहीं बचती। तो एएनएम कोर्स से जुड़े जो भी आपके फीस वगैरह को लेकर डाउट भी हैं, सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों एएनएम कोर्स करने के दो बेहतरीन फायदे ये हैं कि ट्वेल्थ के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, फिर चाहे ट्वेल्थ साइंस से की हो, आर्ट्स से या कॉमर्स से, सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि इस कोर्स को करने के बाद छोटे या बड़े किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी आराम से मिल जाती है और आप पैसे कमाने लगते हैं, आप खुद डिपेंडेंट बन जाते हैं। और इन्हीं फायदों को देखते हुए इस कोर्स को करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों एएनएम का कोर्स आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज से भी, बस प्राइवेट कॉलेज में सरकारी कॉलेज की अपेक्षा फीस थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। एएनएम एंट्रेंस एग्जाम सभी राज्यों में अलग अलग होता है। वैसे हर साल जून और जुलाई के महीने में इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाते हैं, जिसके बाद एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर रैंक के हिसाब से सभी को अलग अलग कॉलेज दिए जाते हैं और फिर सितंबर के महीने तक एएनएम कोर्स के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो एएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए ट्वेल्थ में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और कैंडिडेट की आयु सीमा 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ट्वेल्थ के लेवल के ही होते हैं और 100 नंबर का यह एग्जाम होता है। जो इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें रैंक के हिसाब से सरकारी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अगर रैंक कम आई है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। अब फीस की बात करें तो एएनएम का कोर्स 2 साल का होता है। प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फीस 80,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति साल के लगभग होती है। और दोस्तों आपको पता ही है कि सभी प्राइवेट कॉलेज में फीस अलग अलग होती है, तो हम तो आपको ये ही सलाह देंगे कि फीस भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन किसी अच्छे, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही आप इस कोर्स को कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी छोटे मोटे कॉलेज से एएनएम का कोर्स कर लिया जाए जिसकी मान्यता ही नहीं है, तो बाद में जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको दिक्कत आ सकती है। तो किसी अच्छे कॉलेज से जांच परख कर ही इस कोर्स को कीजिएगा। वहीं अगर सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सरकारी कॉलेज से एएनएम करने का मतलब है नौकरी पक्की। और सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फीस मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति साल के लगभग पड़ती है और ओबीसी एससी एसटी वालों को तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। दोस्तों चलिए अब ये भी जान लीजिए कि एएनएम कोर्स करने में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे। पहले साल में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग विषय पढ़ने होंगे और दूसरे साल में मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, इस तरह के विषय आपको इन 2 सालों में पढ़ने होंगे और साथ ही प्रैक्टिकल्स भी समय समय पर आपको इस कोर्स में देने होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से भी है ना तो भी आसानी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल आपको इस कोर्स में नहीं आएगी। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि एएनएम कोर्स के बाद वेतन कितना मिलेगा। देखो दोस्तों एएनएम कोर्स करने के बाद जॉब की कोई कमी नहीं है। अपने आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जाकर पता कर सकते हैं, 5 में से 1 हॉस्पिटल में आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, जहां पर 15,000 से 20,000 रुपये महीना स्टार्टिंग में आपको वेतन मिल जाता है। और जैसे जैसे इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको वेतन भी उसी तरह से आपका बढ़ता चले जाएगा, आपको किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में भी नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सरकारी नर्स बनना है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको नर्स के रूप में काम करना है, तो उसके लिए आपको फिर से एक सरकारी एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसे अगर आप पास कर लेते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में परमानेंटली नर्स बन जाएंगे, जहां पर 30 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में वेतन मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस कोर्स में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, नौकरी की कोई कमी नहीं है। अगर मेडिकल फील्ड में आप आने की सोच रहे हैं जिससे आपका खर्चा भी कम हो और जल्द ही आप पैसा कमाने लग जाए, तो एएनएम का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा।
दोस्तों आप में से कौन कौन ANM का कोर्स करने वाले हैं या कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ANM से संबंधित कोई सवाल है, कोई भी आपकी परेशानी है तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।